हर हर शंभु शिव महादेवा। इस गाने को शायद ही किसी ने ना सुना हो। इसी गाने की वजह से अभिलिप्सा पांडा को बहुत लोकप्रियता मिल रही है और ये गाना सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। अभिलिप्सा पांडा आज आवाज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ सितारा बन चुकी है। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से एक अलग पहचान बना ली है। आजकल उनका एक गाना सोशल मीडिया पर बहुत ही धमाल मचा रहा है। हर हर शंभु शिव महादेवा सोशल मीडिया पर ये गाना इतना फेमस हो चुका है कि हर तरफ उसी गाने की धूम मची हुई है और आपने भी इस गाने को जरूर सुना होगा। ये गाना आज देश के हर हिस्से में गूंज रहा है और इस गाने की बदौलत अभिलिप्सा पांडा को काफी लोकप्रियता मिल रही है। अभिलिप्सा पांडा का जन्म उड़ीसा के एक गाँव में ब्राह्मण परिवार में हुआ और संगीत से इनका काफी पुराना रिश्ता है। इनके दादाजी हारमोनियम बजाने में काफी लोकप्रिय थे और वो आसपास के इलाकों में काफी विख्यात हारमोनियम वादक थे। अभिलिप्सा पांडा के दादाजी जब रियाज करते थे तब अभिलिप्सा काफी छोटी थी और अक्सर वो अपने दादाजी के पास रियाज करते वक्त आ जाया करती थी। शायद तभी से अभिलिप्सा की रुचि संगीत में बढ़ने लगी और जब अभिलिप्सा थोड़ी बड़ी हुई तब उन्हें संगीत सीखने में अधिक रुचि होने लगी। अभिलिप्सा इस वक्त पढ़ाई कर रही है और वो सिंगिंग डांसिंग सीख रही है और अभी हाल ही में उनका गाना सुपर डुपर हिट हो गया, हर हर शंभु शिव महादेवा। इस गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जहां देखो वहां इसी गाने की चर्चा हो रही है। अभिलिप्सा पांडा उड़ीसा की एक लोकप्रिय सिंगर है। अभी हाल ही में इनका हर हर शंभु शिव महादेवा गाना बहुत लोकप्रिय हुआ है और इस गीत से इन्हें काफी लोकप्रियता मिल रही है। अभिलिप्सा सिंगर होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी डांसर और मार्शल आर्टिस्ट भी है। अभिलिप्सा पांडा का जन्म उड़ीसा के तैनताल बहल गाँव जिला देवगढ़ में वर्ष 2001 में एक हिंदू परिवार में हुआ। अभिलिप्सा के पिता एक निजी कंपनी में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करते हैं। इनके पिता का नाम अशोक पांडा है। पिता के अलावा परिवार में माता और एक बहन भी है। इनके बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी मौजूद नहीं है। अभी अभिलिप्सा पांडा की उम्र 21 साल है। अभिलिप्सा पांडा को बचपन से ही संगीत में रुचि रही है क्योंकि इनके दादाजी बहुत ही लोकप्रिय हारमोनियम वादक थे और वो आसपास के गांव में काफी विख्यात थे। इसी वजह से अभिलिप्सा बचपन से ही संगीत से जुड़ी रही है। जब भी अभिलिप्सा के दादाजी हारमोनियम बजाने जाते थे तब अभिलिप्सा भी उनके साथ जाया करती थी और जैसे जैसे अभिलिप्सा बड़ी होती गई उन्हें हारमोनियम बजाने में निपुणता हो गई। अभिलिप्सा अभी बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा लेती है और वो शास्त्रीय संगीत में भी निपुण होती जा रही है। अभिलिप्सा पांडा अभी पढ़ाई कर रही है और केवल इस बात को छोड़कर इंटरनेट पर कोई भी जानकारी अभिलिप्सा की पढ़ाई को लेकर मौजूद नहीं है। अभिलिप्सा पांडा अभी 21 वर्ष की है और अभी उनकी शादी नहीं हुई है और उनके बॉयफ्रेंड की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अभिलिप्सा पांडा ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत एक धार्मिक म्यूजिक एल्बम मंजिल केदारनाथ से आरंभ की थी और उन्होंने बहुत सारे गीत भी गाए और उनका हर हर शंभु शिव महादेवा ये गीत काफी लोकप्रिय हुआ। अभिलिप्सा पांडा तेलुगु भाषा में भी गीत गाती है और उन्होंने एक एल्बम भी निकाला है तेलुगु भाषा में। दोस्तों हर हर शंभु शिव महादेवा गाने में अभिलिप्सा के साथ आपको एक लड़का भी नजर आ रहा होगा, उसका नाम जीतू शर्मा है। इन दोनों ने मिलकर इस गीत को गाया है और जीतू शर्मा YouTube चैनल पर इस गीत को 5 मई को अपलोड किया था। शुरुआत में इस गीत को ज्यादा लोकप्रियता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जून महीने के अंत में ये गाना इतनी तेजी से वायरल हो गया कि हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही गाना था, हर हर शंभु शिव महादेवा। इस गाने ने चारों तरफ धूम मचा दी और लोगों ने जमकर इस गाने का आनंद लिया। अभिलिप्सा पांडा सिंगर के अलावा डांसर भी है और उन्हें मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल है। वो स्टेट लेवल की खिलाड़ी भी रही है। अभिलिप्सा पांडा के दादाजी एक विख्यात हारमोनियम वादक थे। अभिलिप्सा अभी पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई के साथ साथ अपने संगीत का भी रियाज करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट्स में जरूर हर हर शंभू लिखे। धन्यवाद।